Hello everybody, this is Amit. Welcome to my YouTube channel and the topic we are going to discuss today is part of flower. Lekin usse hum discuss kar hai. Flower, kya hai? flower is a condensed shoot which takes part in sexual mode of reproduction in angiospermic plants or in other words, flower is the colourful part of a plant that produces fruits and seeds. नाउ वी शुड मूव ऑन टू वाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या है जैसे कि आप सब पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेज में कि रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाई विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड बाई द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से उपस्थित जीवों के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है और अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लावर के टाइप्स के बारे में आई थिंक आपको दिख रहा होगा यस yes. फ्लावर दो टाइप के होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर फर्दर दो टाइप के होते हैं मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं और फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं मेल फ्लावर या स्टेमिनेट फ्लावर में सिर्फ स्टेमनस होते हैं जो कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं और फीमेल फ्लावर में सिर्फ पिस्टिल या कार्पल्स मिलते हैं इनके उदाहरण हैं वाटर एंड पपिया अब डिस्कस कर लेते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं द्विलिंगी पुष्प में स्टेमन और कार्पल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं और इसके उदाहरण है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड नाउ पार्ट्स ऑफ फ्लोवर पार्ट्स ऑफ फ्लोवर दो टाइप के होते हैं नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स और एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स नॉन नॉन-एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीधे सीधे हिस्सा नहीं लेते नॉन नॉन-एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स में आते हैं सेपल्स और पीटल्स सीपल्स और पीटल्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स में आते हैं स्टेम्स एंड कार्पल या जिन्हें पिस्टल भी कह देते हैं स्टेमन के दो हिस्से होते हैं एंथर एंड फिलामेंट और कार्पल या पिस्टिल के हिस्से होते हैं ये देखिए ये आप देख पा रहे होंगे ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये कार्पल या पिस्टल होता है और इसके जो हिस्से होते हैं वो होते हैं स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी और लेट मी टेल यू स्टिग्मा ये होता है जो चपटा सा हिस्सा है जो देख रहे हैं ऑन द टॉप आप ये देख रहे हैं चपटा सा हिस्सा ये स्टिग्मा होता है और ये जो आप ट्यूब लाइक -like स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ट्यूब लाइक -like स्ट्रक्चर ये लॉन्ग एंड स्लेंडर स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं स्टाइल और ये जो सोलिन स्ट्रक्चर है जो फूला हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ओवरी ठीक है तो ये है हमारा कारपल या पिस्टल नाउ ये स्टेमन आप देख रहे हैं स्टेमन ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल द फिलामेंट ये फिलामेंट होता है और ये जो पीला हिस्सा आप देख रहे हैं ये है एंथर सॉरी दिस इज एंथर नाउ यू आर वॉचिंग एलएस ऑफ ए बाईक्सुअल फ्लोवर इसमें आपको जो पार्ट्स देख रहे हैं क्लियरली जो आप पार्ट्स देख पा रहे हैं वह हैं पीटल ये तीनों पीटल हैं ये जो आप देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं स्टेमन स्टेमन आप देख पा रहे हैं ये सब स्टेमन है और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये यहां तक इसे हम कहते हैं कार्पल। कार्पल और ये जो बाहर जो आप देख पा रहे हैं ये हैं सीपल्स और ये जो फ्लावर जिसके ऊपर है बेस्ट इसको हम बोलते हैं थैलेमस और थैलेमस जुड़ा होता है ये पेडिसल से अब देखिए इधर ये जो एंथर है सॉरी ये जो स्टेमन है स्टेमन के दो हिस्से होते हैं एंथर ये वाला हिस्सा और ये है लॉन्ग सिलेंडर जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये इसे हम कहते हैं filament. फिलामेंट। फिलामेंट को का कोई रोल नहीं होता फिलामेंट बस इसको जो है इससे इसमें जोड़ के रखता है बस मेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है एंथर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं यहाँ एक एंथर को थोड़ा ढंग से दिखाया हुआ है एंथर के दो लोब्स होते हैं दोनों कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े रहते हैं और ये फिलामेंट दिखा रखा है या इस एंथर की जो है इन्होंने जो टी एस है जो ट्रांसवर्स सेक्शन है ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको ये जो आप देख पा रहे हैं ये ये जो है सैक इनको बोलते हैं और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं मेच्यर होते हैं जब पोलिनेशन के टाइम पे ये इनमें से पोल ग्रेन्स जो हैं वो फ्री हो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं अब हम डिस्कस कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर के बारे में फ्लावर एक डंडी जैसी संरचना के ऊपर स्थित होता है जिसे स्टाल किया पेडिसल कहते हैं और फ्लावर के बेस को थैलेमस कहते हैं थैलेमस के ऊपर चार प्रकार के फ्लोरल ऑर्गन्स अरेंज रहते हैं जैसे सीपल्स पीटल्स स्टेमन एंड कार्पल्स अब हम इन सब को सेपरेटली स्टडी करते हैं कि ये सब होते क्या हैं और इनका क्या रोल है सीपल्स सीपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर विद प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज इन मेचोर फ्लावर सीपल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द अदर फ्लोरल ऑर्गन्स कलेक्टिवली सीपल्स आर नॉन एज कैलेक्स सीपल्स सबसे बाहरी हरी हरी रचनाएं होती हैं जो बर्ड स्टेज में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो हरी रंग की होती हैं और बर्ड स्टेज में जो फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो वो उसके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं और इनको कलेक्टिवली इन आ, सब सीपल्स को अगर कलेक्टिवली हम बोलते हैं तो हम इनको कैलिक्स बोलते हैं नाउ वी ऑन टू पीटल्स पीटल्स आर टिपिकली थिन सॉफ्ट एंड कलर्ड रादर देन ग्रीन कलर पार्ट ऑफ फ्लॉवर पीटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स दैट हेल्प इन पॉलिनेशन पीटल्स मे बी फ्रेगरेंट पीटल्स आल्सो प्रोटेक्ट सेंट्रली लोकेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कलेक्टिवली पीटल्स आर कॉल्ड कॉरला पीटल्स सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पीटल्स की वजह से ही फूलों का रंग होता है और पीटल्स में खुशबू भी होती है और ये पीटल्स का रोल क्या होता है पीटल्स का रोल होता है पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को और एनिमल्स को अट्रैक्ट करना और पीटल जो होते हैं सेंट्रली जो लोकेटेड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्टेम्स हैं और कार्पल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं और पीटल्स को जो कलेक्टिवली हम पीटल्स को क्या कहते हैं नाव वी शुड मूव ऑन टू स्टेम स्टेमन जैसे कि आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फ्लावर के और हर स्टेमन के दो हिस्से होते हैं एक लॉन्ग सिलेंडर स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे फिलामेंट कहते हैं और एक टर्मिनल नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं एंथर एंथर या पराग पराकोश पराकोश में uh, पराग या पॉलन uh, ग्रेन्स बनते हैं और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं मेल गेमिट होते हैं मेल गेमिट. और स्टेमस को जो है जो स्टेमन्स का जो ग्रुप होता है क्योंकि एक स्टेमन तो होता नहीं है फ्लावर में बहुत सारे स्टे, स्टेमन होते हैं तो स्टेमन का जो ग्रुप होता है उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं एंड्रोशियम कहते हैं नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट कार्पल जैसे कि आप सब जानते हैं कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि एग्स प्रोड्यूस करता है फ्लावर के अंदर या प्लांट के अंदर उसमें तीन मेन हिस्से होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सबसे ऊपर का हिस्सा जो चपटा हिस्सा होता है वो स्टिग्मा होता है और पोलन ग्रेन उसी पे आकर गिरते हैं फिर नीचे उससे नीचे स्टिग्मा से नीचे जो स्टाइल होता है वो एक लॉन्ग स्लेंडर टाइप आ, रचना होती है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसे हम स्टाइल कहते हैं और उससे नीचे जो गोल जो फूली हुई रचना होती है उसे हम कहते हैं ओवरी और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स और आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया होती है वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि सेल और ग्रेन दोनों फ्यूज़ होते हैं उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है ओवरी डेवलप होता है फ्रूट में और ओव्यूल डेवलप होते हैं सीड में तो ओवरी का बन जाता है फ्रूट और ओव्यूल्स बन जाते हैं सीड और कार्पल्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं जाइनोशियम कहते हैं एंड नाउ टू क्लियर माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर फ्लायर इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए फ्लावर शोइंग द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ वर्ल्स इन ए टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर नाउ लेट मी टेल यू वट इज़ ए वर्ल्ड In botany, world is the circular arrangement of a particular floral organ. Here you can clearly observe as the diagram shows from outside to inside, the outermost world is galaxy in which sepals are arranged in a circular manner. Then, after on number two position, corolla composed of circular arrangement of petals. And then comes the androsium, which is composed of stamens. एंड ऐट लास्ट ऑन नंबर 4 देर इज़ जैनोशियम विच इज़ कंपोस्ट बाय द पिस्टिल्स और कार्पल्स फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद